अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जो औरत इस घर में आई उसकी माँ के साथ इतनी समानता देखकर मैं खुद दुविधा में पड़ गया। इसमें दुविधा की क्या बात है तीन भाई, ये भी तो हो सकता है कि जो ऊपर है वही हमारी माँ हो। और जैसा कि तरुफई कह रही थी, जिनकी मौत हुई ये भी हो सकता है कि वो हमारी माँ थी नहीं। वही हमारी माँ थी मौलिक, वही थी। अब आप दो तरह की बातें कर रहे थे भाई। अगर ऐसा है तो उन्हें बिरवा का नाम कैसे मालूम था? अरे हो सकता है कि बिरवा का नाम कहीं सुन लिया और उसे याद हो। लेकिन लेकिन क्या है तीन भाई? जो लोरी माँ गाया करती थी वो उस औरत को कैसे याद है? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए दूध। सुनो जी, एक बात बताओ, क्या मैं सचमुच तुम्हारी मालकिन की तरह दिखती हूँ? कहते तो सब ऐसा ही है। मेरे हाथ में जिसने दम तोड़ा था वो सुभद्रा ही थी। उन्हें ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। सब थे वहां। पर मालिक, सुभद्रा मालकिन को क्या हुआ था? जिस रेलगाड़ी से वो जा रही थी ना, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जब सुना तो विश्वास नहीं हुआ मुझे। मेरी सुभद्रा उस हालत में लहू से लथपथ। सुभद्रा और मैं बिना कुछ कहे ही बात समझ लेते थे संकेतों में। पर उस रोज वो मुझे कुछ बोलना चाहती थी ना मैम। बोलना सूद है। ये तो अनामिका जी की आवाज है। अरे शू थे। अरे एक मिनट, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पड़े, ये टूटा कैसे? ग्लास से पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया, कितना खून निकला। थोड़ा आपके चेहरे पे तो लहू नहीं है, किसकी बात कर रही है? वो ट्रेन एक्सीडेंट, कितना खून निकला उसे देखकर। इसका सर किसी पत्थर से टकराया था और उस वक्त इसके पास से कोई ट्रेन गुजर रही थी। मेरी बेटी सुभद्रा भी ट्रेन एक्सीडेंट में मरी। जिस रेलगाड़ी से वो जा रही थी ना, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। नानका, कहाँ जा रहे हो? पशु चिकित्सा आश्रम। पर वहाँ क्यों? अबे ये भी बताना पड़ेगा तुझे मोटी बहन। जाने अनजाने में ये घर में जो चक्रवात आया है उसका कोई ना कोई तो हल होगा ना, वही ढूंढने जा रहा हूं। तरुफई, आज तक हम सबके मन में सवाल था कि ये औरत है कौन,
सिवाय पप्पा के, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि औरत हमारी माँ हो ही नहीं सकती। लेकिन आज पप्पा भी सच का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में भी शक है। पर आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि पप्पा भी सोचने के लिए मजबूर हो गए? हाँ, क्योंकि मैंने ही नानका को कहा था कि इस बात का क्या सबूत है कि जिस औरत ने उसके सामने दम तोड़ा वो सुभद्रा भाभी थी और ये सुभद्रा भाभी नहीं है। यही बात शायद उसके मन में बैठ गई है और वो इसीलिए इस अनामिका की सच्चाई जानने के लिए वहां गया है। लेकिन सच क्या है? कहीं औरत सच में कोई और तो नहीं? पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बार इसकी याददाश्त वापस आ जाए तो एक पल में मैं बता सकती हूँ ये सुभद्रा है या नहीं। वो कैसे? क्योंकि सिर्फ सुभद्रा जानती थी कि तू मेरा बेटा है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि उनकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। अरे ऐसा कैसा? आप डॉक्टर हो ने? तुमने नहीं खबर होए तो कौन है खबर होए? नहीं तो दूसरे डॉक्टर को बुलाओ, खर्चा मैं उठाऊंगा। जब से ये घर में आई है ने, घर की शांति भंग हो गई है, ने विशेषकर मेरी पत्नी संतू की, जिसे इसके कारण मेरी पत्नी होते हुए भी उसका अधिकार नहीं मिला। डॉक्टर, मेरे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अनामिका ये कौन वास्तविकता में आई, कहां से, कुछ तो करो, जवाब तो चाहिए ना। रिलैक्स मिस्टर मैयावंशी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ और मैं आगे के ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट भी कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये ट्रीटमेंट का अप्रूवल फॉर्म है, इसे अनामिका से भरवा कर जमा कर दीजिएगा। हाँ, लाओ। संतु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए, मेरा मतलब है डीएम के कमरे में होना चाहिए, तुम तो उसकी बीवी हो ना। हाँ मेघना बहन, ये बात तो सच है, पर जब से अनामिका जी इस घर में आई है, मालिक बहुत तनाव में रहते हैं और ऐसे में मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका असर केवल तुम पे नहीं, घर के हर सदस्य पे हुआ है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना हक छोड़ के बैठ जाओ। क्या किसी ने भी, किसी सदस्य ने भी अपना हक छोड़ा है? नहीं ना। देखो संतु, तुम डीएम की पत्नी हो, उसने तुमसे दोबारा शादी की है, उसकी जिंदगी पर, उसके कमरे पर, हर जगह तुम्हारा हक है, तुम समझ रहे हो ना? और रही बात अनामिका की, तो ये मेरा विश्वास है कि वो सुभद्रा नहीं है, उसकी जगह यहाँ पर नहीं और तुम्हारी जगह हर जगह है, समझी? अब जल्दी से डीएम के कमरे में चले जाओ, मेरा मतलब है अपने कमरे में चले जाओ। अरे बाबा जाओ ना, और डांट खानी है क्या? जाओ। मालिक सो जाइए, बहुत रात हो गई है। ऊंग नहीं आती मने, तू सो जा।
लिखो मेरा नाम। अरे लखू सुना, एक मिनट में हो जाएगा रूम। एक मिनट कहते कहते तो 10 मिनट हो गए हैं। लिखा चले जो। ये क्या लिखा है? ये इसमें हंसने का क्या इतना है? ये मेरा नाम है या उंदर? सुभद्रा। सुभद्रा का सू ऐसा लग रहा है जैसे कि उंदर की आंखें, और द्रा ऐसा लग रहा है जैसे कि पूंछ, और भा देख मैं जमड़े हाथ से लिखता हूँ, डाबोड़ी नहीं हो तेरे जैसा। ने बहुत आता ना तेरे को, तो जमड़े हाथ से मेरा नाम लिख के बता। चल हाँ, तो उसमें क्या है? अभी लिखती हूँ। चल चल लिख लिख। हाँ लिखने चल, हुआ कि नहीं? चल बता। अशु जी, तुमने उंदर बनाया था ना, मैंने भी उंदर बना दिया है, तो वे दोनों उंदरों का लगन करा देते। ये ठीक है। क्या ठीक है मालिक? सुभद्रा भाई हाथ से लिखना जानती थी। चलो भी खबर पड़ जाएगा ये छोकरी सुभद्रा है कि नहीं। चल चल मारे साथ। हमें जरा अंदर आइए। जी आइए। अबे तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। वो मैंने वो आपके आश्रम गया था, वहाँ डॉक्टर से मिला। अरे डॉक्टर ने बोला कि आगे का इलाज करना, इतना माटे ये कागड़िये पे हस्ताक्षर चाहिए। लो। बाएं हाथ से लिखना जानती थी। इन्होंने तो अपने बाएं हाथ से कलम उठाया, इसका मतलब खोडियार में मैंने एक रेस्ती बच गई। यह नामिका जी सुभद्रा मालकिन नहीं है। चोट के कारण बहुत दर्द हो रहा है। मारी बात सांभर, 100 बात नहीं एक बात। मेरा मन ये मानने को राजी नहीं है कि वो सुभद्रा है, बस। पर उन्होंने मालकिन तेरा बाएं हाथ से लिखा। हाँ तो बड़ा लोगों छे, बहुत लोग है जो डाबे हाथ से लिखते, तो क्या सब सुभद्रा हो गए? वो डाबे हाथ से लिखती है इसका ये अर्थ नहीं कि वो सुभद्रा है। पर वो हो भी तो सकती है ना? होवे नहीं, सुभद्रा को मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। अने मेरा मन ये स्वीकार करने को राजी नहीं है कि वो सुभद्रा है, इसलिए वो सुभद्रा नहीं है, बस। अगर आप ही नहीं स्वीकारते तो अब तक वो इस घर में क्यों है? ये संतूरी नीचे क्या है? त्यां सु जो है, खोटा प्रश्न नहीं किया तूने, बरोबर है तेरा प्रश्न। मेरी पत्नी है ना तू, इतले तुझे ये प्रश्न करने का अधिकार है। पण जो मारी बात संभाळ, अवे तू फक्त मेरी पत्नी नहीं, ये घर की अक्खे धर्मपुर की मालकिन है तू, तो अवे
तुझे मालकिन बन के सोचना पड़ेगा ने धर्मपुर के लोगों की उनके समस्याओं के बारे में विचारना पड़ेगा ने बरोबर के नहीं अने मैं फक्त तेरा पति नहीं पर धर्मपुर का मालिक भी हूं तो मेरा भी कुछ कर्तव्य कुछ फर्ज बनता है ने अबे जो वो छोकरी मानदी है ने बीमार है बेचारी ऐसे में उसको घर से भेज दिया ने बाहर कुछ उसको हो गया तो धर्मपुर के मालिक के मान सम्मान का क्या होगा समझी मारी बात हाँ जो तेरी बात भी बरोबर है उसको जीवन भर थोड़ी रखने का इस घर में डॉक्टर बोलेगा ना कि वो ठीक हो गए उसके बाद अपन भेज देंगे उसको घर पे ने तू चिंता मत करा यहां ये गिटार किसका है ये गिटार हितेन भाई का है माँ ने उन्हें दिया था पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे इसके पीछे कुछ लिखा है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ये लीजिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जीते रहो ये रहा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा अच्छा लगा थैंक यू माँ ये तो बहुत अच्छा है थैंक यू माँ से नहीं मुझसे कहो हितेन भाई मैंने ही माँ से कहा था तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए अच्छा बाबा तुम्हें थैंक यू खुश नहीं सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा अब मुझे सबसे परमिशन चाहिए फॉरेन कॉलेज में एमबीए करने के लिए वो आप दिलवा देना हिसाब बराबर ओके माँ आपका ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप इस पे कुछ लिख लेगी तो ये और भी अच्छा हो जाएगा माँ हितेन भाई ये तो स्पार्कल पेन है ये कुछ ही दिनों में मिट जाएगा अरे बुद्धू भले ही मिट जाए लेकिन यादें तो रहेगी ना लिखे माँ अब ये हो गया बहुत अच्छा ये बात अनामिका को कैसे पता चली कि इस गिटार के पीछे कुछ लिखा था ये सचमुच में मेरी माँ तो नहीं अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप